दोस्तों, मैं हूं मनोरंजन और आप लोगों को बहुत बहुत फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज मैं जा रहा हूं भूटान में और आज वहां के सीनरियों आप लोगों को मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। भूटान जाने वक्त आप एक बहुत ही खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारा देख सकते हैं। दोनों रास्ते की दोनों उस पार और इस पार दोनों पार में ही बहुत सारा पहाड़ और चाय पत्ती की बागान आपको देखने को मिल सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत एक नेचुरल ब्यूटी आपको देखने को मिलेगा। तो आप टी फॉरेस्ट की इतनी खूबसूरत नज़ारों की एक बार मजा लीजिए, देखिए कितना सुंदर लगता है। भूटान तक पहुंचने के लिए और ज़्यादा वक्त नहीं लगेंगे क्योंकि और 4-5 किलोमीटर ही बाकी है। तकरीबन 15-16 मिनट के अंदर हम भूटान की बॉर्डर तक पहुंच जाएंगे। शायद भूटान की गेट नज़र आते होंगे। हम लोग पहुंच चुके हैं भूटान की बॉर्डर तक। यही है भूटान और इंडिया का गेट। हम लोग बाइक लेके आए थे और बाइक यही पर रखेंगे और पैदल चलेंगे भूटान के काफ़ी अंदर तक। भूटान और इंडिया के गेट को क्रॉस करते ही हम लोगों को भूटान के अंदर में बहुत खूबसूरत गार्डनिंग देखने को मिला। मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे आप जिसके तस्वीर देख रहे हैं वही है भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। आपको शायद पता होगा कि भूटान में राज शासन चलते हैं। थोड़ा रात हो गया इसीलिए शायद जो सीनेरियो है ना भूटान का आप लोगों को शायद क्लियर नहीं आएगा। फिर भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा जितना तक पॉसिबल हो। आप भूटान के काफ़ी अंदर तक आ सकते हैं विदाउट वीज़ा और पासपोर्ट।
इस तरीके से इंडिया के अंदर भी भुटिया लोग जा सकते हैं। एक भूटान को काफ़ी सारी छूट दी गई है इस क्षेत्र में। ठीक इस तरह इंडियन लोग भी काफ़ी अंदर आ सकते हैं भूटान के। का जो सीनरी है और मंदिर टाइप का कुछ ऐसा है वो चीज भी बहुत अच्छा लगते हैं क्योंकि और सारा का सारा ट्रेडिशनल ही है यहाँ पे, क्योंकि ट्रेडिशनल जो उन लोगों का कल्चर है उसको पूरा प्रोटेक्ट करके रखा है उन लोगों ने। देखिए है ना, आपका जो इस यहाँ पे जो महल है वो सारा का सारा महल पूरा ट्रेडिशनल टाइप का ही है। मुझे तो देखने में बहुत मज़ा आ रहा है। तो हम लोगों को आते आते रात हो गए जिस वजह से और आगे आज हम लोग बढ़ नहीं पाए, तो इस वीडियो को आज यहाँ पे ख़त्म करना पड़ेगा। तो मिलते हैं आपको फिर एक नया वीडियो के साथ, तब तक आप खुश रहेगा और अपना ख्याल रखिए।